नमस्कार दोस्तों, रेंटेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक्सेल में जो नंबर फॉर्मेट आता है उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियोरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियोरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर है, करेंसी, अकाउंटेंसी, परसेंटेज, डेट, टाइम, टेक्स्ट, स्पेशल। ठीक है दोस्त, आज हम जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, यह है नंबर फॉर्मेट। जैसे कि यहाँ पर नंबर बॉक्स जो आपको दिख रहा है दोस्त, इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका यूज हम कैसे करते हैं, नंबर फंक्शन हम कैसे उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है, सबसे पहले इस नंबर फॉर्मेट में हम कोई नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया। चलिए इसको हम सबको सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्त, मैंने यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम नंबर वाले बक्स में आ गए। यहाँ पे जो जनरल है यहाँ पे नीचे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर जो मोर नंबर फॉर्मेट आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमें नंबर्स के नीचे जो कैटेगरी आता है, जनरल आता है, नंबर आता है, करेंसी आता है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, जो पहला नंबर आता है जो जनरल आता है, जनरल में नंबर सिर्फ नंबर शो होते हैं, कोई उस पर फंक्शन यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्त, जैसे कि यहाँ पे सिंपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं यूज हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे बॉक्स में जो नंबर डाल रखे हैं सिंपल जनरल है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे सिंपल है, ये सिंपल जो नंबर होता है उसको हम जनरल में रखते हैं। चलिए हम यहाँ पे नंबर पे सेलेक्ट करते हैं जो दूसरा नंबर है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर ऐसे शो होगा। यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है यहाँ पर अगर हम 3 कर देंगे तो डॉट के बाद 3 0 देखेगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलिए हम इसको ओके करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉट के बाद 3 0 दिख रहे हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैंने इस नंबर में फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर डालेंगे तो यहाँ पर डॉट के बाद 3 0 दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें इसको हटा देते हैं और यहाँ पर 688 कर देते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 688 के बाद डॉट 3 0 दिख रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं और फिर से यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर नंबर को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस में 2 कर देंगे और यहाँ पे यूज सेपरेटर है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर क्या होगा कि 1000 पे कोमा लगेगा, 1000 के बाद कोमा लगेगा। जैसे कि यहाँ पर इसको हम अगर सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ पे जो माइनस में दिख रहा है, जो हमारा निगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर निगेटिव नंबर्स मैंने जो डाल रखा है, जो माइनस में डाल रखा है, अगर आप उसको किस टाइप का शो कराना चाहते हैं, जिस भी टाइप का आप शो कराना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा तो उस टाइप का दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर रेड पर क्लिक कर देता हूँ तो जो भी हमारा निगेटिव नंबर है वो रेड कलर में दिखेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ इसको। तो दोस्त आप देख सकते हैं जो हमारा माइनस में था, यहाँ पर निगेटिव नंबर था, यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर जो मैंने सेपरेटर लगा रखा है यहाँ पर 1000 के बाद यहाँ पर कोमा दिख रहा है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप इस नंबर में फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जो दूसरा नंबर आता है करेंसी आता है। चलिए यहाँ पे हम करेंसी में भी यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। अब नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, चलिए इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर नंबर वाले बॉक्स में आएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे करेंसी को। ठीक है दोस्त, जो दूसरा नंबर तीसरा नंबर पर आता है करेंसी, यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेसिमल प्लेस है। जैसे कि यहाँ पर आप सिंपल में देख सकते हैं यहाँ पर डॉट के बाद 00 है, अगर आप यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 0 दिखेगा। और ठीक से यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स को आप जैसे यहाँ पर फॉर्मेट में सेलेक्ट करिएगा वैसे वहाँ पर शो होगा। अगर आप माइनस में ही रहने दीजिएगा तो माइनस में वहाँ पर शो होगा। अगर आप यहाँ पर रेड कलर को सेलेक्ट कर देंगे तो रेड कलर में दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पर जो सैम्पल आता है सैम्पल, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें कौन सा करेंसी यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे करेंसी हो रहे हैं, यहाँ पर चाइनीज हो रहे हैं, इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया हो रहे थे, कनाडा। ठीक है दोस्त, आपको यहाँ पर जो भी करेंसी यूज करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर करेंसी हो रहे हैं, करेंसी सिंबल आ रहा है, आपको जो भी यहाँ पर करेंसी यूज करना हो दोस्त आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट वाला जो है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और जो यहाँ पर माइनस वाला ही इस बार मैं रहने देता हूँ और यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। तो दोस्त आप देख सकते हैं सब में यहाँ पर डॉलर का मार्क आ चुका है।
और यहाँ पे मैंने सेपरेटर को भी यूज किया है, यहाँ पे हज़ार के बाद सेपरेटर यहाँ पे लग रखा है और यहाँ पे डॉट के बाद डबल जीरो लग रखा है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करना है। और जो हमारे नेगेटिव नंबर है, मैंने यहाँ पे इस बार कोई नेगेटिव नंबर को माइनस में ही रहने दिया है, ठीक है दोस्त। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे नंबर्स वाले बक्स पे आता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्त मैं यहाँ पे नंबर्स मोर नंबर्स पे क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मेट को यूज़ करना चाहते हैं रेड वाला को या किसी और को, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो दोस्त आप देख सकते हैं जो हमारा निगेटिव नंबर था ये हमारा इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आता है हमारा अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करके भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके इस बार मैंने यहाँ पर मोर नंबर्स पे आया और यहाँ पे मैं अकाउंटिंग पे आ जाऊँगा, ठीक है दोस्त। अकाउंटिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपका सिंबल सिंबल आता है, यहाँ पे आपको जो भी सिंबल रखना हो सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या डिफरेंस आता है। चलिए मैं यहाँ पर कोई और यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने जापानीज कर लिया, ठीक है दोस्त। और मैं यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम नंबर्स डालते हैं, जो भी अपना नंबर्स है। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया और यहाँ पर जो इसका सिंबल शो हो रहा है इस साइड में शो हो रहा है। जो पहला डिफरेंस है दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंबल है यहाँ पर सिंबल साइड में दिख रहा है और इसमें जो करेंसी में है यहाँ पर नंबर्स के सटे हुए दिख रहा है डॉलर के मार्क, ठीक है दोस्त। और जो दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर मैंने जीरो टाइप कर रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त यहाँ पर जीरो के जीरो डॉट जीरो जीरो शो रहा है हो रहा है और यहाँ पर मैंने जीरो टाइप किया है तो यहाँ पर माइनस शो हो रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर नील शो हो रहा है, तो यानी इसमें दो डिफरेंस है। जब आप एक्सेल यूज करते हैं, जब कोई शीट बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे वहाँ पे इसका यूज आता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज को जो भी आप देना चाहें यहाँ पर परसेंटेज, चलिए हम इसको परसेंटेज को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज है, इस परसेंटेज को मैंने यूज कर दिया। अब यहाँ पर हम जो भी नंबर यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर परसेंटेज लग के आएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे इसको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं यहाँ पर अंदर मोर नंबर्स के अंदर। यहाँ पे परसेंटेज को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप डेसिमल को जितना डेसिमल रखना चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जीरो कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज आपका सिर्फ शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर डेसिमल आप रखना चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, मोर नंबर्स में गए और आप यहाँ पर डेसिमल को यूज कर सकते हैं, एक दो आप जितना भी यहाँ पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं और यहाँ से फिर आप इसको ओके कर देंगे। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो जीरो डॉट के बाद जीरो जीरो लग चुका है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त मैंने आज की इस वीडियो में बताया है नंबर, करेंसी, अकाउंटेंसी, परसेंटेज के बारे में। जो बाकी के ऑप्शन दोस्त बच रहे हैं उस ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बच रहे हैं डेट एंड टाइम और टेक्स्ट स्पेशल और साइंटिफिक, ठीक है दोस्त। इस सब ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए मैं इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक श्रीरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप श्रीरंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।